फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की आजादपुर मंडी के अंदर प्याज की आवक कैसी देखने को मिल रही है, प्याज की आवकों की स्थिति कैसी बनती नजर आ रही है। आजादपुर मंडी में आज प्याज की आवकों में कमी देखने को मिली है या तेजी, ये बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे नासिक से। तो आपको बता दें कि नासिक से आज आजादपुर मंडी में प्याज की 16 गाड़ियों की आवक देखने को मिली है। और बात करें पुणे की, तो पुणे से आज आजादपुर मंडी में 6 गाड़ियों की आवक आई है। मध्य प्रदेश से सिर्फ आज एक गाड़ी ही देखने को मिली है आजादपुर मंडी के अंदर। वहीं गुजरात से 5 गाड़ियों की आवक देखने को मिली है। गुजरात से आज आजादपुर मंडी में 5 गाड़ियां प्याज की आई हैं। वहीं बात करें अगर कोटा की, तो कोटा से प्याज की सिर्फ एक ही गाड़ी देखने को मिली है। वहीं बात करें अगर अलवर की, तो अलवर से आज आजादपुर मंडी में प्याज के लगभग 1400 कट्टों की आवक दर्ज की गई है। गाड़ियों की बात की जाए तो गाड़ियों की कुल आवक आज आजादपुर मंडी में 50 गाड़ियों की देखने को मिली है, जिसमें कल का बैलेंस भी शामिल है। वहीं अलवर से 1400 कट्टे देखने को मिले हैं। बात करें यहां से अगर मंदी और तेजी की, तो आपको बता दें कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज प्याज की जो अनुमानित आवक बताई जा रही है अभी तक व्यापारियों द्वारा, वो कल के मुकाबले कम ही बताई जा रही है। व्यापारियों का ऐसा अनुमान है कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज प्याज का जो बाजार है वो थोड़ा टाइट खुला है, और आज नई प्याज में व्यापारियों के अनुसार आजादपुर मंडी में तेजी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल प्याज का बाजार आज व्यापारियों द्वारा थोड़ा तेज बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।